वेलकम टू नीट एग्जाम स्टडी। और आपके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आ रहा हूँ जो कि एग्जाम पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम चाहे SSC रेलवे DPSC DRDO या स्टेट PSC, जिसमें स्टैटिक पोर्शन पार्ट होगा उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने सारा डाटा मैंने स्टैटिक पोर्शन का जितना होता है मैंने इसमें सभी कंप्लीट कराया है। तो आप देख सकते हैं जैसे लिस्ट। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए मेरे न्यू वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। और आपको बता दूं कि इसके पहले मैंने कई इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके बना चुका हूं, मंथली मार्च और अप्रैल के मंथली करंट अफेयर बनाया हूं जो वन लाइनर और क्यूज में भी हैं। और आपके इंपॉर्टेंट GS का पॉलिटी हिस्ट्री और बायोलॉजी के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर बनाए हैं, टॉप MCQ कराए हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो चैनल में जाके आप जाके देख सकते हैं। चलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टडी की तरफ चलता हूं। आपको बता दूं कि सबसे पहले हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नेशनल पार्क के कोई ना कोई आते हैं, तो मैं इसमें नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कवर कराने जा रहा हूं, जिसमें से हमारे आंध्र प्रदेश से हमारा आता है पोपिगोंडा नेशनल पार्क हमारा आता है आंध्र प्रदेश से, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क हमारा आता है आंध्र प्रदेश से, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हमारे दो नेशनल पार्क दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे आंध्र प्रदेश से आते हैं जो आपके एग्जाम पार्टी से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमारे आंध्र प्रदेश में। इसके बाद हमारा आता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से आता है मलिंगे नेशनल पार्क और नंदफा नेशनल पार्क और कमलंग नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो हमारी ये हमारी कहाँ से आती हैं, ये हमारे अरुणाचल प्रदेश से आती है। नेक्स्ट हमारा आता है असम से, असम से हमारा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको काजीरंगा नेशनल पार्क, जो हर बार एग्जाम में हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं आया हुआ क्वेश्चन है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, तो आपके असम स्टेट में आता है काजीरंगा नेशनल पार्क। और आपके किसके लिए फेमस है, ये एनिमल के लिए फेमस है, वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए, एक सींग गेंडे के लिए फेमस हमारा, और ये वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज द्वारा साइट भी दी गई है। इसके बाद हमारा आता है मानस, काजीरंगा के बाद हमारा दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा इसमें नेशनल पार्क मानस। तो मानस हमारा है ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट द्वारा दिया गया और गोल्डन लैंगूर के लिए फेमस और रेड पांडा के लिए फेमस। इसके बाद हमारे नेवरी नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क हमारे असम से आते हैं। तो इतने नेशनल पार्क हमारे असम से मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट भी से, तो आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो एक नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक हमारे बिहार में आती है जो बिहार के एग्जाम पॉइंट भी से देखें तो ये दो हमारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे छत्तीसगढ़ आती है इंद्रावती नेशनल पार्क और कंगेर वैली नेशनल पार्क और गुरु घसीदास और संजय नेशनल पार्क ही बोलते हैं उसको। तो ये हमारे इतने हमारे जो इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ में हमारे इतने इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद हमारा आता है गोवा, गोवा में हमारे दो नेशनल पार्क है, एक वाइल्ड बर्ड सेंचुरी है एक नेशनल पार्क है जिसमें समौले नेशनल पार्क और सलीम अली बर्ड सेंचुरी जो हमारे गोवा में है, ये गोवा में हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप एग्जाम पॉइंट दे सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है गुजरात, गुजरात में सबसे ज़्यादा गिर नेशनल पार्क हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आया हुआ था। गिर नेशनल पार्क हमारे कहाँ पे है, गुजरात में है और ये एशियाटिक लाइन के लिए ये जाना जाता है। इसके बाद हमारा आता है ब्लैक बॉक नेशनल पार्क जो ब्लैक बॉक एनिमल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमारा आता है मरीन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ और वंशधार नेशनल पार्क और इंडियन वाइल्ड लाइफ एस सेंचुरी जो गुजरात में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा हरियाणा आता है, हरियाणा में हमारा आता है कालेश्वर नेशनल पार्क और सतनापुर नेशनल पार्क। इसके बाद हमारा आता है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश कुछ इंपॉर्टेंट है एपिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी दी गई है, तो ये आप देख सकते हैं वैसे ही एग्जाम पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इसने यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी दी गई है। इसके बाद हमारा आता है खीरगंगा नेशनल पार्क हमारे हिमाचल प्रदेश से आता है और सिंबल बारा हमारा नेशनल पार्क हमारे हिमाचल प्रदेश से आता है। इसके बाद हमारा जम्मू कश्मीर में जो अक्सर कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये हेमिस नेशनल पार्क कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो हमारे कहाँ पे है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट हमारा आता है किश्तवाड़ नेशनल पार्क हमारे कहाँ पे है जम्मू कश्मीर में, सलीम अली बर्ड नेशनल पार्क हमारे कहाँ पे गोवा में हमारा सलीम अली बर्ड सेंचुरी है लेकिन इसमें हमारा सलीम अली नेशनल पार्क हमारा जम्मू कश्मीर। इसके बाद झारखंड में हमारा सिर्फ एक नेशनल पार्क है बाटला नेशनल पार्क जो फॉरेस्ट ओवलेट और स्लोट बियर के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है कर्नाटक, कर्नाटक से हमारा आता है डंडेली नेशनल पार्क और नागरोल नेशनल पार्क हमारे राजीव गांधी जिसको बोलते हैं राजीव गांधी नेशनल पार्क हमारे कर्नाटक में है और बांदीपुर नेशनल पार्क हमारे कर्नाटक में ही है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं
केरल में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट है जिस केरल में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो केरल में साइलेंट वैली, शांत घाटी कहाँ पे है, तो साइलेंट वैली हमारे कहाँ पे, केरल में ही है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद हमारा आता है पंबा दम सोला नेशनल पार्क हमारे केरल में है, और इराविकुलम नेशनल पार्क हमारे कहाँ पे है, केरल में है, जो नीलगिरी थार पे वेस्टर्न घाट साइड आता है। इसके बाद हमारा साइलेंट वैली नेशनल पार्क हमारे जो कई बार एग्जाम में आया हुआ है, वो साइलेंट वैली नेशनल पार्क हमारे कहाँ पे, केरल में है, जो लॉयन टेल्ड मस्क्यू के लिए हमारा जाना जाता है। और अनामुदी सोला नेशनल पार्क हमारे कहाँ पे है, केरल में है, और पेरियार नेशनल पार्क जो कई बार एग्जाम में आया हो, पेरियार नेशनल पार्क ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। ये तीनों नीचे के कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। और आपको बता दूं कि वेस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक को अनामुदी भी बोलते हैं, और नीलगिरी के हाईएस्ट पीक को हमारे क्या बोलते हैं, टोडा बेटा बोलते हैं। इसके बाद हमारा आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आपका लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है, जो लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया जाना जाता है वो मध्य प्रदेश है। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जैसे हमारे बांधोगढ़ है, पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, मांडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क, और पेंच नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा। इतने हैं हमारे जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा आता है त्रिपुरा। आता है हमारा त्रिपुरा में हमारा बिशोन और क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क हमारे। उत्तराखंड से देखें तो उत्तराखंड से हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड से हमारा राजा जी नेशनल पार्क कई बार एग्जाम में हुआ है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारे उत्तराखंड में ही आता है। जिम कॉर्बेट हमारा ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, और हमारा गंगोत्री नेशनल पार्क हमारा उत्तराखंड से ही है। वैली ऑफ फ्लावर जो अक्सर एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, सब फूलों की घाटी कहाँ पर है, वैली ऑफ फ्लावर तो हमारे उत्तराखंड में है, और गोविंद पशु विहार हमारे कहाँ पे हैं, उत्तराखंड में। इसके बाद नंदा देवी नेशनल पार्क जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और यूनेस्को वर्ल्ड वाइस्पेयर रिजर्व जो दिया गया है हमारे नंदा देवी नेशनल पार्क को, और किसके लिए फिर जाना जाता है, नो लेपर्ड के लिए जा रहे तो ये हिमालय रीजन में आता है। इसके बाद हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हमारा एक ही है दुधवा नेशनल पार्क, ये आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कई बार एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हमारे वेस्ट बंगाल से हमारा आता है बक्सर टाइगर रिजर्व आता है, सुंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। और आपको बता दूं कि सुंदरबन डेल्टा हमारा जो वर्ल्ड का इंडिया का नहीं वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा ये हमारे सुंदर वर्ल्ड डेल्टा बनता है, जिसके लिए मैंग्रोव ट्री के लिए जाना जाता है, और उन्हीं वहीं पे हमारा सुंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो आपकी वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज द्वारा साइट भी है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद हमारा आता है बक्सर नेशनल पार्क हमारा आता है, नौरा वैली नेशनल पार्क हमारा आता है, और द गुरुमारा नेशनल पार्क। इतने हमारे नेशनल पार्क हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क हमारे वेस्ट बंगाल से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप एक बार देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इंपॉर्टेंट डैम और कुछ उनकी रिवर्स के बारे में देखते हैं। जो हमारे फर्स्ट डैम है, लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड, हीराकुंड डैम हमारा। आपको बता दूँ कि हमारे इंडिया का हीराकुंड डैम है, जो महानदी रिवर पे उड़ीसा में आता है। लॉन्गेस्ट रिवर 26 किलोमीटर की लेंथ है इसकी, और ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट डैम है। तो आपको बता दूँ कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम है, तो इंडिया का भी लॉन्गेस्ट डैम ही है यही हीराकुंड डैम है, जो महानदी रिवर पे है। इसके बाद हमारा आता है हाईएस्ट डैम। तो आपको बता दूँ कि हमारा तेहरी डैम जो भागीरथी रिवर के पास है, जो हाईएस्ट डैम है उत्तराखंड में शायद आता है ये, तो हाईएस्ट डैम हमारा कौन सा है, तेहरी डैम भागीरथी रिवर पे है। इसके बाद हाईएस्ट स्टेट ग्रेविटी डैम है हमारा, तो वो हमारा भाखड़ डैम है, जो हमारे सतलज रिवर पे आता है, तो भाखड़ डैम है। इसके बाद मैं आपको मैप के थ्रू भी दिखाऊंगा ये मैप कौन कौन से एरिए में आते हैं। फर्स्ट डैम ऑफ इंडिया कलानई डैम हमारा जो फर्स्ट डैम है। इसके बाद हमारे कौन से रिवर पे आता है, कावेरी रिवर पे आता है, और ये तमिलनाडु साइड में आता है। चलिए आपको दिखा दूँ कि इसमें इसमें हमारा आता है, आपको दिखा दूँ कि भाखड़ आपके ये हमारा भाखड़ डैम नंगल डैम है आपका, और ये आपका भाखड़ नंगल, और ये तेहरी डैम जो भागीरथी रिवर पे आता है। भाखड़ हमारा सतलज रिवर पे आता है, और इंपॉर्टेंट रिवर भी आप देख सकते हैं हिमालय की इंडस और गंगा है, और आपका ब्रह्मपुत्र है। इसमें आपको मैं दिखा दूँ कि पाँच ट्रिब्यूटरी हमारी इंडस की है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्याज है, जो ट्रिब्यूटरी हमारी पांच हमारी इंडस रिवर की है। और आपकी कुछ बता दूं कि गंगा रिवर हमारी गंगोत्री से आती है, और तेहरी डैम भागीरथी रिवर पे बना है गंगा आपकी भागीरथी, और अलकनंदा के मिलने से हमारी गंगा बनी है, और आपकी सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी हमारी कौन सी है, यमुना है, जो गंगा में जाके मिलती है। इसके बाद हमारे गंगा की आपकी ट्रिब्यूटरी देख सकते हैं आप, गंदक है, घाघर है, और कोसी है आपकी, यहाँ पे सोन है, या आपकी यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर के ये आपके बांग्लादेश में मिलती हैं, तो
ब्रह्मपुत्र का नाम हमारा रहता है जमुना और आपके गंगा का नाम रहता है पद्मा, जो बांग्लादेश में नाम चेंज हो जाता है। और ये लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है आपके वेस्ट बंगाल में, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबन डेल्टा मैंग्रोव ट्री के लिए फेमस है। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपका हीराकुंड डैम, ये है हीराकुंड डैम जो महानदी रिवर पर है, जो लॉन्गेस्ट डैम है, जो आपके वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम हमारा हीराकुंड डैम महानदी रिवर पे है। और आपका ये सरदार सरोवर डैम है जो नर्मदा रिवर पे है, और ये एसरीज बनाती है तापी और आपकी नर्मदा रिवर, बाकी जितनी भी हमारी जो ईस्टर्न से घाट साइड जाती हैं ज़्यादातर डेल्टा बनाती है, जैसे आप गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, ये हमारी सारी डेल्टा बनाती है। तो आप इनमें देख सकते हैं कृष्णा सागर, कृष्णा नागा अर्जुन सागर डैम जो कृष्णा रिवर पे हमारा ये है, आप देख सकते हैं। तो इतने डैम इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिवर और डैम, तो आप इनको देख सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है फर्स्ट इन द मेल आपके इंडिया, फर्स्ट इन इंडिया मेल आपके जो पहले हमारे गवर्नर ऑफ बंगाल, जो हमारे इंडिया के पहले जो ब्रिटिश रूल हमारा स्टार्ट हुआ था, तो पहले हमारे गवर्नर ऑफ बंगाल हैं लॉर्ड क्लाइव, जो 1757 से 60 के बीच में रहे। अब इसके बाद हमारे चेंज होने लगा, हमारे गवर्नर जनरल होने लगे। तो लास्ट का गवर्नर ऑफ बंगाल हमारे वारन हॉस्टिंग थे, इनके बाद उनका टाइम ड्यूरेशन हमारा किस में आ गया, गवर्नर जनरल से अब गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में आ गया। तो हमारे फर्स्ट वारन हॉस्टिंग ही हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फिर इसके बाद हमारे आते हैं फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से अब इंडिया में आ गए। तो हमारे फर्स्ट हैं हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो 1833 से 35 के बीच में रहे हैं, और इन्हीं के टाइम ड्यूरेशन में हमारा 1829 में सती प्रथा बैन की गई थी, और किसकी हेल्प से, राजा राम मोहन की हेल्प से, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा इस सती प्रथा बैन की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ एंड फर्स्ट वाइस राय, तो आपको बता दूं कि इसके बाद हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बाद हमारे अब वाइस राय में कन्वर्ट हो गए। तो हमारा लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और फर्स्ट वाइस राय ऑफ इंडिया तो हमारा लॉर्ड कैनिंग है, जो आप देख सकते हैं लॉर्ड कैनिंग है। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो बंकिम चंद बनर्जी जी हैं, वीसी बनर्जी जी हैं, जो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट हैं, और फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया तो सी गोपाल चार हैं, जो 1948 से 1950 के बीच में रहे हैं। फर्स्ट इंडियन टू पास इंडियन सिविल सर्विस, जो पहली बार इंडियन सिविल सर्विस पास किए थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी हैं, और फर्स्ट इंडियन सिविल सर्विस जो ऑफिस में अटेंड किए थे वो सत्येंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने सिर्फ पास किया था, इन्होंने ऑफिस पर बैठा था तो सत्येंद्रनाथ टैगोर जी, इनमें ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी और सत्येंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट हमारा आता है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो लॉर्ड लुइस माउंटबेटन है, जो अगर 15 अगस्त 1947 से 20 जून 1948 तक थे। फर्स्ट इंडियन कास्माउंट गो टू इन टू द स्पेस, तुम्हारे राकेश शर्मा है जो पहली बार स्पेस में गए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, तो आपको बता दूंगी फर्स्ट टेम्परेरी आपके प्रेसिडेंट थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था आपका। फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया, तो जनरल के एम करियप्पा जी हैं। फर्स्ट इंडियन नोबेल लिटरेचर हमारे कौन से, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। आपके फर्स्ट इंडियन जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो हमारे डॉक्टर नागेंद्र सिंह हैं। फर्स्ट इंडियन गो टू द भारत रत्न अवार्ड तो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी है। फर्स्ट फील्ड मार्शल हमारे जनरल एस एफ जी मानेक्श्वर जी हैं। और इसके बाद हमारा आता है 18 नंबर में आता है प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, तो हमारे जो पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इसके बाद फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, तो इसके बाद हमारा आता है मिहिर सेन, हमारी जो पहली बार अक्रॉस की थी इंग्लिश चैनल को। इसके बाद हमारा फर्स्ट इंडियन गो टू द जनपदीज अवार्ड, हमारे जी शंकर कुरूप जी हैं। इसके बाद फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक है हमारी डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। और इसके बाद फर्स्ट विन पार्क स्टेट ओशियन स्विमिंग द कंटेंट्स हमारे बैद्यनाथ जी हैं, जिन्होंने क्या किया था। इसके बाद हमारे आते हैं फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा जी वी मालवेकर जी हैं। और फर्स्ट पर्सन टू मेक द प्रिंटिंग प्रेस पॉपुलर इन इंडिया, तो सबसे पहला हमारा पॉपुलर प्रिंटिंग प्रेस था हमारा जेम्स हिकी के नाम से फेमस था। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट इंडिपेंडेंस हमारे कौन से हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। इसके बाद हमारे आते हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। और फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार
वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो डॉक्टर आपको पता है कि ये हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा, और इनके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद हमारे जो पहले वाइस प्रेसिडेंट है जिन्होंने वाइस प्रेसिडेंट होते हुए इन्होंने प्रेसिडेंट पद पे किया था, तो हमारे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा जी हैं। इसके बाद हम आते हैं फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ, तो एयर मार्शल सर थॉमस एलएम हिर्स जो हैं हमारे फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं। इसके बाद हमारे आते हैं फर्स्ट इंडियन एयर चीफ ऑफ इंडिया, तो एयर मार्शल एस मुखर्जी हैं। फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे जनरल एम राजेंद्र सिंह जी हैं। फर्स्ट चीफ ऑफ द नोबल स्टाफ ऑफ इंडिया, तो वाइस एडमिरल आरडी कटारी जी हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फर्स्ट लार्ज स्केल एटॉमिक रिएक्टर ऑफ इंडिया, तो अप्सरा 1956 में हमारी लार्जर स्केल एटॉमिक रिएक्टर ऑफ इंडिया थी। फर्स्ट पर्सन टू गेट द परमवीर चक्र मनोज सोमनाथ शर्मा जी हैं जो पहली बार परमवीर चक्र पाए थे। फर्स्ट एटॉमिक सबमरीन ऑफ इंडिया, तो INS चक्र है जो पहला हमारा एटॉमिक सबमरीन ऑफ इंडिया है। इसके बाद हमारा आता है फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू गेट द नोबेल प्राइज, तो हमारे जो फिजिक्स में नोबेल प्राइज थे हमारे पाए थे वो हमारे CV रमन जी है जो फर्स्ट टाइम हमारे इंडियन साइंटिस्ट नोबेल प्राइज पाए थे। इसके बाद हमारा फर्स्ट इंडियन सबमरीन हमारे INS कवरी जी हैं। फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया ओरिजिन टू गेट नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस, तो हमारे कौन है हर गोविंद खुराना जी हैं। इसके बाद फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन शिप INS विक्रांत जी है। इसके बाद फर्स्ट चाइनीज आपका पिलग्रिम टू विजिट इंडिया फाइन, जो पहली बार आया था फाइन था जो चाइनीज विजिट किया था इंडिया का फाइन, और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में किसके टाइम में आया था फाइन। फर्स्ट मीडियम रेंज मिसाइल अग्नि, पहली मीडियम रेंज मिसाइल थी अग्नि। फर्स्ट ई बिजनेस न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस है। और इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट हमारा आता है फर्स्ट इंडियन मिसाइल पृथ्वी है, हमारा फर्स्ट इंडियन मिसाइल पृथ्वी है। और फर्स्ट इंडियन टू विन द स्टालिन अवार्ड, तो सैफुद्दीन किचलू जी हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम स्टालिन अवार्ड पाया था। फर्स्ट न्यूक्लियर सेंटर हमारा कहाँ पर है, तारापुर में। फर्स्ट इंडियन टू विन द मैगसी अवार्ड हमारे जो आचार्य विनोद भावे जी पाए थे 1958 में पाए थे। इसके बाद हमारा आता है 49 हमारा आता है इंडियन फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी, तो आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी जो हमारी पहली बार खोली गई थी। नेक्स्ट 50 नंबर हमारा आता है इंडिया फर्स्ट लोकसभा मेंबर टू बी इलेक्टेड विद द रिकॉर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट, तो PV नरसिम्हा राव जी हैं जिन्होंने पहली बार लोकसभा मेंबर में इलेक्ट किए गए थे विद रिकॉर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स के साथ द्वारा। इसके बाद हमारा आता है 51 फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ रीजन फ्रॉम द यूनियन कैबिनेट श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो 1950 में थे। इसके बाद हमारा आते हैं फर्स्ट एशियन गेम ऑर्गेनाइज्ड हमारे दिल्ली में हुआ था 1951 में। फर्स्ट इंडियन इलेक्शन कमिश्नर हमारे सुकुमार सेन जी हैं। और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस के बहरुद्दीन तैयब जी, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहरुद्दीन तैयब जी हैं। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो जस्टिस हीरा लाल जी कन्हैया जी हैं जो पहले हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं इसके बाद फर्स्ट पर्सन ऑफ द समिट द पर्सन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इन अ कांग्रेस सेशन, तो हसरत मोहानी जी हैं जो पहली बार सबमिट किए थे प्रपोजल ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस इन कांग्रेस सेशन में। इंडिया फर्स्ट यूनिवर्सिटी नालंदा, हमारी पहली यूनिवर्सिटी है नालंदा। इसके बाद हमारा आता है फर्स्ट इंडिया टू क्लेम माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सी सिलेंडर, तो हमारे सरपा पहुजी दोरजी जी हैं जिन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट में चढ़ा था बिना विदाउट ऑक्सी सिलेंडर के। इसके बाद हमारा आता है फर्स्ट फॉगन रेसिपिन ऑफ भारत रत्न, तो हमारे खान अब्दुल गफर खान जिनको मिला था भारत रत्न। इसके बाद हमारे फर्स्ट इंडियन रेसिपियंट ऑफ नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, तो डॉक्टर अमृता सेन जी हैं जो इनको पहली बार मिला था नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट है फर्स्ट आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फाउंडेड हैदराबाद। एंड इसके बाद हमारा आता है टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ इंडिया, तो कौन सी थी, इंदिरा बेबी हर्षा नाम था। इसके बाद हमारा आता है फर्स्ट इंडियन पायलट, तो JRD टाटा 1829 में हमारे पहली बार इंडियन पायलट फर्स्ट इंडियन पायलट थे। फर्स्ट इंडियन टू रीच एंटार्क्टिका, तो लेफ्टिनेंट रामचरण
1960 में इन्होंने पहली बार अंटार्कटिका पे गए थे। फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ओपन इन इंडिया तो 1727 में कोलकाता में पहली बार खोली गई थी पोस्ट ऑफिस। इसके बाद हमारे फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो हमारे सबसे पहले हमारे फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू रिजाइन द ऑफिस, तो ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर है जो रिजाइन ऑफिस में रिजाइन दिए थे, मोरारजी देसाई जी हैं। और इसके बाद हमारे फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू लॉस ऑन इलेक्शन, इंदिरा गांधी। और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डाइड इन ऑफिस, तो जाकिर हुसैन है जिन्होंने ऑफिस में ही उनकी डेथ हो गई थी। और फर्स्ट मैन टू क्लिम्ब अप माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, जो पहले ऐसे कौन से मैन है जो दो बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे, तो हमारे नवांग गोम्बू जी। फर्स्ट इंडियन टू रीच द साउथ पोल, कोल आई के बजाज हैं। फर्स्ट इंडियन रेसिपियंट ऑफ द ऑस्कर अवार्ड, तो भानु आथिया जी हैं। फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट टू विजिट इंडिया, तो ड्वेट डेविड एंसोवर जी हैं जिन्होंने पहली बार अमेरिका प्रेसिडेंट जो विजिट किए थे इंडिया। नेक्स्ट फर्स्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इंडिया, तो हॉरल्ड मैकमिलन हैं जिन्होंने पहली बार इंडिया विजिट किया था, ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर हैं। फर्स्ट इंडियन ऑथर टू गेट द एडर्सन अवार्ड, रस्किन बॉन्ड हैं जिन्हें पहली बार दिया गया था एडर्सन अवार्ड। फर्स्ट इंडियन टू विन द वर्ल्ड बिलियर्ड ट्रॉफी, तो विल्सन जॉन है जिन्हें पहली बार वर्ल्ड विल्सन ट्रॉफी मिली थी। फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट, तो संतोष गौरगी जी हैं जिन्होंने पहले इंडियन स्पेस टूरिस्ट हैं। इसके बाद हमारे आते कुछ फीमेल हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पहली बार इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जो देखते हैं इंडिया की। इंडिया फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, तो हमारे हमारे प्रेसिडेंट जो इंडिया की फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं वुमेन, वो प्रतिभा पाटिल जी हैं। इसके बाद हमारे अंदर इंडिया फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, तो हमारे इंदिरा गांधी, ये सबको पता होगा। फर्स्ट वुमेन गवर्नर सरोजिनी नायडू हैं। फर्स्ट वुमेन रूलर रजिया सुल्तान। और आपकी इंडिया फर्स्ट वुमेन IPS, तो किरण बेदी हैं। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तो सुचिता कृपलानी जी हैं जो यूपी की चीफ मिनिस्टर थी पहली। नेक्स्ट हमारे फर्स्ट वुमेन यूनियन मिनिस्टर, तो राजकुमारी अमृता कौर। इसके बाद हमारे फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की एनी बेसेंट हैं। फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट मीरा साहिब फातिमा बीबी जी हैं। इसके बाद हमारे फर्स्ट वुमेन टू गेट द अशोक चक्र, तो नीरजा बनौट जी हैं जिनको पहली बार अशोक चक्र मिला था। इसके बाद हमारे आते हैं फर्स्ट इंडियन वुमेन एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशन, तो हमारे विजय लक्ष्मी पंडित जी हैं जिन्हें मिला था यूनाइटेड नेशन का वुमेन जो है ब्रांड एम्बेसडर थी। इसके बाद हमारा फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, तो हमारे आरती शाह गुप्ता जी हैं जिन्होंने पहली बार स्विम किया था। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट द नोबेल प्राइज़, तो मदर टेरेसा 1969 में पाई थी, सॉरी 1979 में पाई थी। इसके बाद हमारा आता है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लिम द माउंट एवरेस्ट, तो हमारे बचेंद्री पाल जी हैं जो पहली बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे वुमेन। इसके बाद आती है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द मिस वर्ल्ड, तो हमारे मिस रेटिया फारिया जी हैं जिन्होंने पहली बार मिस वर्ल्ड बनी थी। नेक्स्ट हमारे आता है इंडियन वुमेन टू क्लिम द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, तो संतोष यादव जी हैं। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द मिस यूनिवर्स, तो सुष्मिता सेन हैं जो मिस यूनिवर्स थी। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट द भारत रत्न, तो आपकी इंदिरा गांधी हैं जिन्हें पहली बार भारत रत्न मिला था। फर्स्ट वुमेन टू गेट जयपनीज अवार्ड, तो अस्पूर्णा देवी हैं जिन्होंने पहली बार जयपनीज अवार्ड मिला था। इसके बाद फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द वाटर टाइटल, तो सानिया मिर्जा जिन्हें वाटर टाइटल मिला है। फर्स्ट इंडियन वुमेन एयरलाइन पायलट, तो दुर्गा बनर्जी जी। इसके बाद फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द गोल्डन इन द एशियन गेम्स, तो हमारे कमलजीत संधु जी हैं जिन्हें मैं पहली बार इंडियन वुमेन गोल्डन जीती थी एशिया गेम में। इसके बाद फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो हमारे सरोजिनी नायडू हैं जो 1925 में प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द बुकर प्राइज़, तो अरुंधति राय हैं जो पहली बार जीती थी बुकर प्राइज़। इसके बाद हमारे आता है फर्स्ट वुमेन म्यूजिशियन गेट द भारत रत्न, तो MS सुबुक लक्ष्मी जी हैं जिन्होंने पहली बार भारत रत्न पाया था म्यूजिशियन में। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट इनटू द स्पेस, कल्पना चावला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे आते हैं कुछ सुपर लेडीज ऑफ इंडियाज हैं,
लॉन्गेस्ट रिवर आपकी ब्रिज कौन सी है? महात्मा गांधी सेतु पटना, जो 5 किलोमीटर 5.5 किलोमीटर की है। इसके बाद हमारी आती है लॉन्गेस्ट एनिमल फायर, जो सोनेपुर बिहार में है। और लार्जेस्ट ऑडिटोरियम हमारी कौन सी है? श्री सनमुखंद हाल, जो मुंबई में है। लार्जेस्ट लेक, तो वुलर लेक हमारे जम्मू कश्मीर में जो है। इसके बाद हमारा जो हाइजेस्ट डैम, भाखड़ा डैम सतलज रिवर पे है, मैंने डिस्कस कर चुका हूँ आपके। जो हाइजेस्ट डैम आपकी इंडिया की हाइजेस्ट डैम हमारी भाखड़ा डैम है, और लॉन्गेस्ट डैम आपकी आपकी वो आपको बता चुका हूँ हीराकुंड डैम है। द लार्जेस्ट रिजॉर्ट, थर्ड रिजॉर्ट जो राजस्थान में। इसके बाद लार्जेस्ट केव टेम्पल, तो लार्जेस्ट केव टेम्पल हमारा आता है कैलाश टेम्पल, जो इलोरा महाराष्ट्र में है। और इसके बाद लार्जेस्ट जू हमारा जूलॉजिकल गार्डन हमारा जो कोलकाता में है। लार्जेस्ट मस्क्यू, सबसे बड़ा मस्क्यू कौन सा है? जामा मस्जिद, जो दिल्ली में है। द हाइजेस्ट पीक, गॉडविन आइंस्टीन, जो K2 सबसे जो सेकंड हाइजेस्ट पीक है, फर्स्ट माउंट एवरेस्ट है, सेकंड K2 है, जो आपकी सेकंड हाइजेस्ट इंडिया की हाइजेस्ट पीक कहलाती है। 8611 मीटर है आपकी। नेक्स्ट हमारे तो लॉन्गेस्ट टनल, तो जवाहर टनल बनेल हाल पास में जम्मू कश्मीर में है, लॉन्गेस्ट टनल। इसके बाद हमारा आता है लार्जेस्ट डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, मैंने बता चुका हूँ, वेस्ट बंगाल में है आपका, मैंगोज ट्री के लिए जाना जाता है। आपको स्टेट विद द मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया, तो आपको कई बार बताया कि आपके मध्य प्रदेश से जो लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया कवर करता है। लॉन्गेस्ट कॉरिडोर, कॉरिडोर इज द रामनाथ स्वामी टेम्पल एट द रामेश्वरम, तमिलनाडु में है ये। नेक्स्ट हमारा आता है हाइजेस्ट वाटरफॉल, तो जॉग और गोरसप्पा कर्नाटक में जो है उसको हाइजेस्ट, हमारे इंडिया का हाइजेस्ट वाटरफॉल है। द लॉन्गेस्ट रोड, ग्रैंड टैंक रोड कोलकाता टू दिल्ली, हमारी लॉन्गेस्ट टनल रोड है। इसके बाद द हाइजेस्ट गेट ऑफ बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी जो यूपी में है, जो हाइजेस्ट गेट है आपका। लॉन्गेस्ट रिवर, मैंने आपको बता चुका हूँ इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर हमारी गंगा है, 25 किलोमीटर समथिंग है। नेक्स्ट हमारी लार्जेस्ट म्यूजियम, द लार्जेस्ट म्यूजियम कोलकाता में है हमारा। लार्जेस्ट डोम, तो गोल गुंबज बीजापुर में हमारा कर्नाटक में है। इसके बाद हमारा टॉलेस्ट स्टेट्यू हमारा कहाँ पे है? गोमेश्वरम कर्नाटक में हमारा। लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, हमारा सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक सबको पता होगा, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बिगेस्ट कैंटिलीवर बीम ब्रिज, तो रविंद्र सेतु हावड़ा ब्रिज है, जो कहाँ पे है? कोलकाता में है। इसके बाद लॉन्गेस्ट कैनल, तो इंदिरा गांधी कैनल राजस्थान में जो हमारी है, इंदिरा गांधी कैनल जिसको राजस्थान कैनल भी बोलते हैं। लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, तो लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म हमारे गोरखपुर पे है, जो एक किलोमीटर 355 मीटर का है। नेक्स्ट आता है लॉन्गेस्ट रेलवे टनल हमारा कौन सा है? पीर पंजाल रेलवे टनल है हमारा, जो जम्मू कश्मीर में है, 11 किलोमीटर और 200 मीटर का डिस्टेंस इसकी। नेक्स्ट है द बिगेस्ट स्टेडियम, तो युवा भारती सॉल्ट लेक स्टेडियम जो कोलकाता में है वो बिगेस्ट स्टेडियम है। और द मोस्ट पॉपुलर सिटी मुंबई है महाराष्ट्र में। जो लार्जेस्ट सी ब्रिज, तो अन्ना इंदिरा गांधी ब्रिज है जो तमिलनाडु में, वो लार्जेस्ट सी ब्रिज है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन हमारी कौन सी है? हमारी डिब्रूगढ़ जो कन्याकुमारी में है। इसके बाद द ओल्डेस्ट चर्च, ओल्डेस्ट चर्च हमारा है थॉमस चर्च, द पलार त्रिचूर जो केरल में है। इसके बाद लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, तो NH7 है वाराणसी टू कन्याकुमारी। इसके बाद हमारा आता है द स्टेट ऑफ द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन, जो हमारे इंडिया का लार्जेस्ट कोस्टल लाइन है कौन सा है? आपका गुजरात है, वैसे आपका आता है अंडमान निकोबार। चलिए नेक्स्ट हम बता दें कि हाइजेस्ट लेक कौन सा है? देवताल लेक है, गढ़वाल लेक उत्तराखंड में है। इसके लार्जेस्ट स्लाइन वाटर लेक, चिल्का लेक उड़ीसा में है। और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, तो हमारा कलोरू लेक है जो आंध्र प्रदेश में है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है कलोरू लेक। और लार्जेस्ट केप अमरनाथ है, जो आपका जम्मू कश्मीर पड़ता है। इसके बाद हमारा तो लॉन्गेस्ट रिवर टू साउथ और इंडिया, तो साउथ इंडिया की हमारी लॉन्गेस्ट रेल कौन सी है? गोदावरी है रिवर हमारी। द लॉन्गेस्ट डैम, तो आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, हीराकुंड डैम है जो हमारा लार्जेस्ट डैम महानदी रिवर पे उड़ीसा में है। और इसके बाद हमारा आता है हाइजेस्ट ग्रैंट्री अवार्ड, तो परमवीर चक्र जो हाइजेस्ट ग्रैंट्री अवार्ड। इसके बाद हमारा आता है द हाइजेस्ट अवार्ड भारत रत्न हमारा। द लार्जेस्ट गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल अमृतसर, द लार्जेस्ट बिगेस्ट चर्च सेंट चथेड्रल
ओल्ड गोवा, इसके बाद हमारा द टालेस्ट टीवी टावर, तो हमारा फैजिल का जो पंजाब में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हमारा आता है फिर द साउथर्न इंडिया स्टेट विद लॉन्गेस्ट कोस्टल, तो हमारा साउथर्न साइड हमारा हमारा आता है यहाँ पे आंध्र प्रदेश। लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, मेराइन ब्रिज हमारा चेन्नई में है, लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है। और इसके बाद हमारा हाईजेस्ट रोड हमारा आता है रोड एट द कारदुंगल, जो ले मनाली सेक्टर में आता है हमारा। 48 में आता है लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, तो गोविंद सागर लेक जो वाखा नंदल में है वो हमारा आर्टिफिशियल लेक है। इसके बाद हमारा दीप्स आपका दीप्स रिवर वैली हमारे कहाँ पे आती है, भागीरथी एंड अलकनंदा में आती है दीप्स रिवर वैली। लार्जेस्ट रिवर विदाउट डेल्टा, तो हमारी कौन सी है, दो रिवर ऐसी हैं जो डेल्टा नहीं बनाती है, जो हमारे वेस्टर्न घाट साइड जाती हैं, वेस्टर्न साइड जाती हैं, नर्मदा और तापी, जो डेल्टा नहीं बनाती हैं विदाउट डेल्टा। द हाइजेस्ट बैटल फील्ड, द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर सिकेन ग्लेशियर है, जो हमारी हाइजेस्ट बैटल फील्ड एंड द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। इसके बाद हमारा आता नेक्स्ट आता है बिगेस्ट रिवर आइसलैंड, तो मजूलिम जो ब्रह्मपुत्र में है, जो सबसे बड़ा आइलैंड है ब्रह्मपुत्र रिवर में पड़ता है, मजूलिम असम में पड़ता है, ये असम स्टेट में। इसके बाद हमारा आता है द लार्जेस्ट प्लेटेनियम, तो हमारा आता है बिरला प्लेटेनियम कोलकाता में है, जो लार्जेस्ट प्लेटेनियम है। इसके बाद हमारा आता है हाइजेस्ट एयरपोर्ट, तो लेह का हमारा एयरपोर्ट है जो लद्दाख में पड़ता है, वो हमारा हाइजेस्ट एयरपोर्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वर्ल्ड की कुछ इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बता दी कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जो यूनेस्को का फुल फॉर्म है, ये आप देख सकते हैं। और इस्टैब्लिश कब किया गया था, इसको 1972 में इस्टैब्लिश किया गया था। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। टोटल हेरिटेज अभी 37 है और 29 कल्चर में और साइट 7 नेचुरल साइट में है। चलिए देखते हैं 29 कल्चर और 7 नेचुरल साइट में देखते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं आपकी लिस्ट ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कल्चर में है। पहले हमारा आता ऑर्गा फोर्ट जो यूपी में 1883 में दिया गया था। इसके बाद हमारा जनता केव महाराष्ट्र में हमारा आता है। आर्कियोलॉजी साइट ऑफ द नालंदा महावीरा नालंदा बिहार में जो है 2016 में साइट दी गई थी। इसके बाद हमारा आता है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट जो सांची एमपी में है। और कंपाइनर प्रभावगढ़ आर्कियोलॉजी पार्क जो गुजरात में 2004 में इसको साइट दी गई थी। इसके बाद हमारा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई जो फॉर्मरली विक्टोरियल मेमोरियल टर्मिनस है जो 2004 में दिया गया था। इसके बाद हमारा आता है चर्चेज एंड द कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, तो 1986 में दिया गया था यूनेस्को द्वारा साइट्स। और इसके बाद हमारा एलिफेंटा केव महाराष्ट्र में है, इलोरा केव हमारे महाराष्ट्र में है, फतेहपुर सीकरी यूपी में हमारे हैं, 1986 में दिया गया था इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स दी गई थी। इसके बाद ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल तमिलनाडु में, हमारा ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एंड द हम्पी कर्नाटक में, ग्रुप ऑफ द मॉन्यूमेंट एट द महाबलीपुरम तमिलनाडु में, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स और पट्टाकल आपका कर्नाटक में है। इसके बाद हिल फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान 2013 में दी गई थी इसको साइट। इसके बाद हमारे कुछ और भी हैं, हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद 2017 में साइट दी गई थी। इसके बाद हमारा आता है हुमायूं टॉम दिल्ली में है, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एमपी में है। इसके बाद महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एक्ट बोध गया बिहार में है। मॉन्यूमेंट रेलवे ऑफ द इंडिया महाराष्ट्र हमारे जो तीन बार दी गई थी 1999 और 2005 और 2008 में दी गई थी। कुतुब मीनार एट इट्स मॉन्यूमेंट्स दिल्ली 1993 में दी गई थी। रानी की वाव द क्वीन द स्टेप वेल एट द पटना गुजरात में, पाटन गुजरात में 2014 में साइट दी गई थी। रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स दिल्ली 2007 में दी गई थी। इसके बाद हमारा रहता रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका एमपी में है, हमारा 2003 में दी गई थी। इसके बाद सन टेम्पल्स कोणार्क में है, हमारा उड़ीसा में पाया उड़ीसा में 1984 में इसको साइट दी गई थी। ताजमहल यूपी में है और 1983 में इसको साइट की दी गई थी। इसके बाद हमारा था आर्कियोलॉजिकल वर्क ऑफ ले कॉर्बुसर एंड द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूटिंग टू द मॉडर्न मॉन्यूमेंट्स जो चंडीगढ़ में 2016 में साइट दी गई थी। इसके बाद जंतर मंतर जयपुर में 2010 में दी गई थी। इसके बाद हमारा विक्टोरियल गोटिक एंड आर्ट डिको
एंसेम्बल्स ऑफ मुंबई जो 2018 में दिखे थे। इसके बाद हमारे कुछ नेचुरल्स हमारे जो आपको मैंने कई बार डिस्कस भी कर चुका हूँ पिछले बैक साइड, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया कुल्लू हिमाचल प्रदेश, ये 2014 में साइड इसको दी गई थी। इसके बाद काजीरंगा नेशनल पार्क हमारा जो बहुत ज़्यादा फेमस है वर्ल्ड यूनेस्को द्वारा 1985 में साइड दी गई थी। इसके बाद खोला डियो नेशनल पार्क भारतपुर में हमारे राजस्थान में 1985 को दिया गया था। इसके बाद मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम 1985 में दी गई थी। नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उत्तराखंड में 1988 से 2005 में इसके बीच में दी गई थी इसको वाली यूनेस्को द्वारा। सुंदरबन डेल्टा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में 1987 में है। वेस्टर्न घाट नोन एज द सहाद्री माउंटेन जो 2012 में दिया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंस वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकती हैं गाइस। आती हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स जो हमारी जो इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है हमारी गंगा, और ये ओरिजिन कहाँ से होती है, गंगोत्री ग्लेशियर से होती है। इसकी लेंथ हमारी 2500 किलोमीटर है इसकी लेंथ। इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी हमारी और ये जाके गिरती कहाँ पे है हमारी बंगाल पे। इसकी ट्रिब्यूटरीज है चंबल बेतवा सोन दामोदर और गोमती गंगा और गंडक कोसी यमुना, और ये हमारी जितनी भी रिवर हैं जाके सब गंगा मिल जाती है। और गंगा हमारी यहाँ से बहती है हमारी भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनती है, और आपके यूपी बिहार और वेस्ट बंगाल में जाकर बंगाल में जाके गिर जाती हैं। इसके बाद हमारे आती है सेकंड हमारी रिवर आती है ब्रह्मपुत्र रिवर जो हिमालय तिब्बती प्लेटू से चाइनीज निकलती है, जिनका उसका संपूर्ण नाम रहता है। और उसकी लेंथ है 2900 किलोमीटर है, और जाके गिरती कहाँ पे बंगाल पे गिरती है। इसकी ट्रिब्यूटरी है दिहांग रिवर और सिहंग रिवर, तिस्ता और मानस इसकी ट्रिब्यूटरी है। और ये हमारी कहाँ पे कहाँ कहाँ से जाती है, इंटरनेशनल रिवर है हमारी चाइना से होते हुए हमारे अरुणाचल प्रदेश के। इसका ब्रह्मपुत्र रिवर हमारे असम में ही नाम है। इसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद ये बांग्लादेश में जाती है। इसके बाद हमारा आता है यमुना रिवर आती है, यमुनोत्री ग्लेशियर्स निकलती है। इसकी लेंथ है 1373 किलोमीटर है, और ये भी जाके जाती है गंगा में जाके मिल जाती है संगम में प्रयागराज में जाके मिल जाती है। इसकी ट्रिब्यूटरी है कौन सी टोंस है इसकी चंबल है, और हिंदोंस है बेतवा केन है हिंदोस और शारदा है इसकी ट्रिब्यूटरी। इसके बाद हमारी स्टेट कौन कौन सी जाती है, स्टेट में जाती है ये उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश और हरियाणा दिल्ली, और इतने स्टेट कवर करती है। इसके बाद हमारे आते हैं लास्ट है हमारा आता है इंडस रिवर। ये हमारी ये संगपो तिब्बती से निकलती है, तिब्बत प्लेट से निकलती है जम्मू कश्मीर से होते हुए। इसकी टोटल लेंथ हमारी 3180 है किलोमीटर है, और अरेबियन सी में जाके गिर जाती है पाकिस्तान से होते हुए। और इसकी ट्रिब्यूटरी है ब्यास सतलज रिवर चिनाब झेलम, ये इनकी ट्रिब्यूटरी है। और ये स्टेट कवर करती है हमारे इंडिया में जम्मू कश्मीर और पंजाब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं महानदी हमारी कहाँ से निकलती है, आपके सिवाहा माउंटेन से निकलती है। आपकी इसकी लेंथ है 858 किलोमीटर है, और जाके गिरती है भी आप बंगाल में गिरती है उड़ीसा में। इसमें मैं लॉन्गेस्ट डैम की मैं आपको बता चुका हूँ कि हीराकुंड डैम हमारे वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम हमारा महानदी में है। और इसकी ट्रिब्यूटरी है सोमनाथ और हैसडियो मदन और आईबी ओंग टेल जोंग, ये हमारी इसकी ट्रिब्यूटरीज है। स्टेट कौन से कवर करती है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा कवर करती है। इसके बाद हमारी आती साउथ इंडिया की हमारी जो रिवर्स हैं, पहली हमारी लॉन्गेस्ट रिवर साउथ इंडिया की गोदावरी जो ब्रह्मगिरी माउंटेन से निकलती है त्रिमकेश्वर से महाराष्ट्र स्टेट से निकलती है। इसकी लेंथ है 1465 किलोमीटर है, और जाके बया बंगाल में जाके गिरती है आंध्र प्रदेश से होते हुए। इसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, पूर्णा है और प्राणहिता है, इंद्रवती है, सोबरी रिवर्स है और प्रभा है और मजीरा मैनार, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। इसके बाद कौन कौन सा स्टेट कवर करती है, ये छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश और कर्नाटक उड़ीसा, ये 6 स्टेट ये कवर करती है। इसके बाद हमारा आता कृष्णा रिवर हमारी नियर द महाबलेश्वर से कृष्णा रिवर निकलती है सतारा डिस्ट्रिक्ट से महाराष्ट्र में। और इसके बाद इसकी लेंथ कितनी है, 1400 लेंथ है। इसके बाद हमारी गिरती कहाँ पे भैया बंगाल में जगह गिरती है, ट्रिब्यूटरी कौन सी है, भीमा है डिंडी मुशी वेन्या कोयना और
दूधगंगा और घटरप्रभा ये 30 की ट्रिब्यूटरी हैं। और स्टेट कौन सा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, ये सारी कृष्णा स्टेट कवर करती है। चलिए नेक्स्ट आती है कावेरी। कावेरी हमारी आती है साउथ की गंगा, साउथ की गंगा से जाना जाता है, साउथ गंगा हमारा साउथ गंगा जाना जाता है गोदावरी को, गोदावरी को साउथ गंगा, और साउथ की गंगा हमारी कावेरी को जाना जाता है। ये कहाँ से निकलती है, टाला कावेरी वेस्टर्न घाट से निकलती है माउंटेन रेंज से इन कर्नाटक में, और 765 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। एक जाके कहाँ पे गिरती है, बंगाल पे गिरती है। और उसके बाद ट्रिब्यूटी कौन सी है, सिमसा, हेमावती और अर्कवाती, कबिनी, इसके बाद ये इसकी ट्रिब्यूटीज है। और ये तमिलनाडु में 87% कवर करती है, और केरल में 9% और कर्नाटक में 4%। तो लार्जेस्ट कवर करती है हमारी तमिलनाडु में जाके। इसके बाद हम आती है नर्मदा आती है, नर्मदा हमारी निकलती है हमारी अमरकंटक प्लेटू से निकलती है मध्य प्रदेश में। इसकी लेंथ हमारी 1312 किलोमीटर है, और ये जाके गल्फ ऑफ खम्बत में जाके गिरती है अरेबियन सी में। और इसकी ट्रिब्यूटरी है आपकी बरहर, बंजर, साक, तावा, हिरान, ये इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, और आप देख सकते हैं। और स्टेट कवर कौन कौन से करती है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात। आपको बता दूं कि सरदार सरोवर डैम जो बना है ये आपके नर्मदा रिवर पे ही बना है। इसके बाद ताप्ती आपकी रिवर है जो एसरीज बनाती हैं, और आपकी वेस्टर्न घाट में गिरती है। ओरिजिन कहाँ से होती है, मुल्तान सतपुरा रेंज से निकलती है, 724 किलोमीटर इसकी रेंज है, गल्फ ऑफ खम्बत में जाके गिरती है अरेबियन सी में। इसकी ट्रिब्यूटीज है गिरना रिवर्स, गोमाए रिवर्स, मौसमी रिवर्स और पंजारा रिवर्स, ये इनकी ट्रिब्यूटी आप देख सकते हैं। स्टेट कौन सा कवर करती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये तीनों कवर करती है। इसके बाद कुछ इंटरनेशनल बाउंड्रीज देख लेते हैं। जो फ्रांस और जर्मनी की जो बॉर्डर लाइन है इसको बोलते हैं मैगनॉट लाइन बोलते हैं, मैकमोहन लाइन बोलते हैं। जो इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है उसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं। रेड क्लिप लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को बोलते हैं, हमारे रेड क्लिप लाइन बोलते हैं। 49 पैनल बोलते हैं, यूएसए और कनाडा की लाइन को बोलते हैं, हमारे 49 पैनल लाइन बोलते हैं। इसके बाद हमारा मरीन हेम लाइन बोलते हैं, रसिया और फिनलैंड को बोलते हैं। ड्यूरन लाइन हमारे पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बोलते हैं, जो ब्रिटिश टाइम में इंडिया और अफगानिस्तान में लाइन बनाई गई थी ड्यूरन लाइन। तो अब पाकिस्तान एरिया होने लगा, तो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान को ड्यूरन लाइन बोलते हैं। 38 पैरेलल लाइन नॉर्थ और साउथ कोरिया को बोलते हैं, और हिंडनबर्ग लाइन बोलते हैं जर्मनी और पोलैंड को बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं। और कुछ जो हमारे इंडिया में इंटरनेशनल कंट्रीज जो बॉर्डर शेयर करती हैं वो करी देख लीजिए आप। लैंड बॉर्डर जो शेयर करती है 15,106 किलोमीटर जो लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं। और कोस्टल लाइन जो हमारे इंडिया हमारे कोस्टल लाइन से जो आप देख सकते हैं इसमें मैप में आपको दिखाता हूँ। इसमें आपको बता दूँ सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री जो हमारे सबसे ज़्यादा एक कंट्री जो हमारे इंडिया की लैंड बाउंड्री शेयर करती है तो सबसे बड़े ज़्यादा कौन सी है, बांग्लादेश है, जो 4,096 किलोमीटर हमारी बॉर्डर शेयर करती है जो हमारे इंडिया से करती है। जो लार्जर इंटरनेशनल बॉडीज बाउंड्रीज है वो बांग्लादेश कवर करती है। इसके बाद चाइना करती है 3488 किलोमीटर है, पाकिस्तान इसके बाद करती है 3323 किलोमीटर है, और नेपाल करती है 1751, इसके बाद फिर म्यांमार 1643, और भूटान 699, सबसे कम करती है अफगानिस्तान। तो टोटल इतना एरिया कवर करती है इंटरनेशनल बॉडीज की कंट्रीज। और इसके बाद हमारे ये आप देख सकते हैं 7516 किलोमीटर है जो कोस्टल लाइन है, जो आपके गुजरात से होते हुए आपके यहाँ पे बांग्लादेश से मिलती हैं। तो ये टोटल लार्जेस्ट आपको पता है गुजरात कोस्टल लाइन जो शेयर करता है। तो टोटल कोस्टल हमारी वो होती है आपकी 7516 किलोमीटर है हमारी ये। चलिए नेक्स्ट आपको बता दूँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट फोक डांस और क्लासिकल डांस जो एग्ज़ाम पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आंध्र प्रदेश में ज़्यादातर क्लासिकल डांस हमारा कुचिपुड़ी पूछा जाता है, चंगू फोक डांस है, और असम में बिहू सबको पता है, और क्लासिकल डांस है इसका सतरिया है। और बिहार में हमारा देख सकते हैं बिहार में हमारा जटिन है फोक डांस है। गुजरात में हमारा गरमा फेमस है। इसके बाद हमारा जम्मू कश्मीर में दुमहाल फेमस है। इसके बाद हमारा केरल में हमारा परियानी और चकियार कुथू और क्लासिकल डांस उस वहाँ का कौन सा है, कथकली और मोहिनी यत्तम, ये क्लासिकल डांस हमारे कहाँ पे केरल में है। इसके बाद कर्नाटक में कौन सा है, ढोलू कुनीता और वीरंगस ये फेमस है, कहाँ पे फोक डांस फेमस हमारे कर्नाटक में। नेक्स्ट इसके बाद महाराष्ट्र में फेमस है लवानी, और मध्य प्रदेश में गौर गरिदा और मंच ये मध्य प्रदेश में फेमस है। मणिपुर में हमारा कौन सा है, मणिपुरी पसंद फेमस है क्लासिकल डांस है। उड़ीसा में हमारा चाहू गोटी पुआ और घुमरा जो उड़ीसी एक क्लासिकल डांस है। पंजाब में भांगड़ा और गिद्धा
फेमस है, फोक डांस है। इसके बाद राजस्थान में हमारा काल बैला घूमर तेरा तली, ये फोक डांस हमारे राजस्थान के। तमिलनाडु के हमारे कारंगम कोलाटम और थप्पनटम, ये हमारे तमिलनाडु के हैं। भरतनाट्यम क्लासिकल डांस जो फेमस है, जो एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ, पूछा क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा जो इसका क्लासिकल, उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है कत्थक है, और आप देख सकते हैं गोवा का फुगडी है, और हिमाचल प्रदेश का नाटी है, और ये आप देख सकते हैं फोक डांस है, आप देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम पॉइंट से ज़्यादातर आते हैं, तो हमारे यही आते हैं, क्लासिकल डांस ज़्यादा आते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका देख लूँ कि थ्री डीपेस्ट ओशियन है, जिसकी हाइजेस्ट, हमारा जो सबसे लार्जेस्ट है ओशियन है, तो पैसिफिक ओशियन, तो उसकी लार्जेस्ट डीप है 11,033 मीटर की डीप है, जो कौन से भी ट्रेंच पे, हमारी जो ग्रेटेस्ट डीप है लोकेशन हमारा मेरियाना ट्रेंच पे है। इसके बाद एटलांटिक ओशियन है, जो 9,460 मीटर की है, जो हमारे प्यूर्टो रिको टेंच में हमारी सबसे जो लार्जेस्ट डेप है अटलांटिका की। इसके बाद इंडियन ओशन जो 7,542 मीटर इसकी डेप है, जावा ट्रेंच में इसकी है, कि आप इनको देख डाटा देख सकते हैं। इसके बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ आपकी जो एग्ज़ाम पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UNO न्यूयॉर्क USA में है आपका, 1945 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, जिसको यूनिसेफ बोलते हैं, इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में 1946 में। इसके बाद यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं यूनकैटेड, जिसका हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्जरलैंड में है, 1964 में है इस्टेब्लिश किया गया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्जरलैंड में है, इस्टेब्लिश कब किया गया था, 1948 में किया गया था। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO हेडक्वार्टर कहाँ पे, जनेवा में है स्विट्जरलैंड पे। तो आप देख सकते हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंस है जो ज़्यादातर जनेवा में है। और इसके बाद हमारा इंटरनेशनल कमिटी द रेड क्रॉस, तो ICRC, तो आपकी कहाँ पे, जनेवा स्विट्जरलैंड में, इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था आपके, 1863 में किया गया था। इसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाटो, जिनेवा में हेडक्वार्टर है, और इसको 1995 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको यूनेस्को बोला जाता है, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में, और इसको इस्टेब्लिश कब किया था, 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद हमारा आता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, तो इसका जिनेवा में हेडक्वार्टर है, 1950 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद हमारा आता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, जिनेवा में हेडक्वार्टर है, 1967 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन IOS, जिनेवा में हेडक्वार्टर है, 1947 में इस्टेब्लिश किया गया था। इंटरनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, वेन ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया में है, 1997 में किया गया था। ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज OPEC, वेन्ना में इसका हेडक्वार्टर है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, 1960 में इसका है इस्टेब्लिश किया गया था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, जो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में है USA में, जो 1945 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद हमारा वर्ल्ड बैंक हमारा वाशिंगटन DC में है, 1945 में ही इसको इस्टेब्लिश किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेशनल मेडियन टाइम्स ऑर्गेनाइजेशन IMO, जिसका हेडक्वार्टर लंदन UK में है, और 1959 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद हमारा आता है एमनेस्टी इंटरनेशनल AI, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लंदन में है, और 1961 में इसको इस्टेब्लिश किया था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, नीदरलैंड पे है, द ह्यूज में, 1945 में। फूड एंड द ऑर्गेनाइजेशन एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, ये रोम इटली में है, 1945 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। नॉर्थ अटैलिंग ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, जिसको ब्रुसेल्स आपके हेडक्वार्टर है, 1949 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट हमारा आता है इंटरनेशनल रेवेन्यू एनर्जी एजेंसी IRENA, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, अबू धाबी पे है UAE में, इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, 2009 में किया गया था। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजन कॉरपोरेशन SARC, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, काठमांडू में है, और नेपाल के काठमांडू में है,
और 1985 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट इंडिया नेशन जकार्ता इंडोनेशिया में है इसका हेडक्वार्टर, 1967 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन और सिंगापुर में है, 1979 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉरपोरेशन IOIC इसका कहाँ पे हेडक्वार्टर है, जिदाह में है सऊद अरेबिया में, 1969 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ द केमिकल वेपर्स, ये कुछ एग्जाम पॉइंट भी से इंपॉर्टेंस इन्हीं को आप इनको देख सकते हैं। इंटरनेशनल और क्रिकेट काउंसिल ICC के हेडक्वार्टर कहाँ पे, दुबई में है। आप जैसे ये कई एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आपके दुबई में इस्टेब्लिश कर गया था, 1909 में ही इस्टेब्लिश किया गया था। और आप देख सकते हैं इसमें जो ज़्यादा जैसे ये हमारा यूनाइटेड नेशन द वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मैड्रिड में है, 1974 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये कुछ एग्ज़ाम पॉइंट भी से मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इनको देख सकते हैं।